नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चले शुरू करेंगे खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। कर्नाटक के बागलकोट में पीएम ने जनता को किया संबोधित। पीएम ने कहा 2024 का चुनाव भारत का भविष्य करेगा तय, कि चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने नामांकन दाखिल करने से पहले की पूजा अर्चना, पूजा अर्चना कर जीत की कामना। लोकसभा चुनाव 2024 का रण लखनऊ से राजनाथ सिंह ने रोड शो के बाद दाखिल किया नामांकन, तो अमेठी में स्मृति ईरानी का पर्चा दाखिल करने से पहले किया रोड शो। यूपी के अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने किया नामांकन दाखिल, एमपी के सीएम मोहन यादव भी रहे साथ उपस्थित। लोकसभा चुनावों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव प्रचार, ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने लंदन में फॉर मोदी और फ्लैश मॉब का कार्यक्रम आयोजित किया। ब्रिटेन में बसे भारतीय प्रवासियों ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिखाया समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 एमपी के पूर्व सीएम और भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, रायसेन में रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। लोकसभा चुनावों का रण उड़ीसा के पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार समित पात्रा ने नामांकन दाखिल करने से पहले किया रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ट्रांसजेंडर विंग का जेल का जवाब वोट से अभियान, आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे और पार्षद बॉबी किन्नर हुए अभियान में शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मंत्री आतिशी भी केजरीवाल से मिलने पहुंची तिहाड़ जेल। लोकसभा चुनाव 2024 का रण पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने किया नामांकन दाखिल, गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जेएमएम के उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने किया नामांकन दाखिल। मध्य प्रदेश में भी सूरतकांड, इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल, नामांकन लिया वापस। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश के तीन दशक का स्थिरता की कीमत को देश ने चुकाई, आईएनडीआई गठबंधन हर साल पीएम बदलना चाहता, ये कोई परचूनी की दुकान नहीं। जयपुर सहित कई एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मेल में एयरपोर्ट पर बम लगाने की कही गई बात, सुरक्षा एजेंसियां जुटी जांच में, तीन दिन पूर्व धमकी भरी मेल भेजने वाला कर्नाटक से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण सड़क हादसा, मिनी ट्रक में घुसी पिकअप, 9 लोगों की मौत, 23 घायल। यूपी के जालौन में जिला सत्र न्यायालय के बाहर वकीलों की चैंबर में लगी आग, आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, बर्फबारी की वजह से गुरेज ने ओढ़ी बर्फ की चादर, हिमपात से लगातार आवागमन बाधित, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। यूपी और बिहार में झारखंड में हीटवेव का अलर्ट, एमपी छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री के पार, आंध्र प्रदेश में पहुंचा 45 डिग्री पर। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर फहराया फिलिस्तीनी झंडा, इसराइल विरोधी प्रदर्शन में 900 छात्रों को किया गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी में हुई तोड़फोड़, आजाद फिलिस्तीन की लगी नारी। ब्रिटेन में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले भारतीय को 16 साल की सजा सुनाई गई, हैदराबाद के रहने वाले 25 वर्षीय श्रीराम अम्बरला ने पूर्व प्रेमिका सोना बिजू की हत्या की थी, 2 साल पहले का मामला। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की नजर, 30 दिन में 5710 जगह लगी आग, पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ी आगजनी। इशाकदार बनी पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम, मार्च में दी गई थी विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी, 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं इशाकदार। चीन के बवंडर में कारण 5 लोगों की मौत, 33 घायल, 141 फैक्ट्रीज को पहुंचा नुकसान, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। मामा आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे इमरान की एक्टिंग कमबैक फिल्म, हैप्पी पटेल होगा टाइटल, गोवा में हुई फिल्म की शूटिंग शुरू, वीरदास करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। 6 दिन से लापता है तारक मेहता फेम सोढ़ी, जल्द करने वाले थे शादी, आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे एक्टर सोढ़ी। जयपुर के पावटा में नवोदय स्कूल के पास निजी स्कूल की बस ट्रांसफार्मर के पोल से टकरा गई, बस की टक्कर से पोल पर लगा ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और बच्चे घबरा गए, बच्चों की आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी, सक्षम में बाहर निकाला गया, बिजली सप्लाई बंद होने की वजह से चला बड़ा हादसा। जयपुर के सांभर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेतना समिति के तत्वावधान में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए, समिति का उद्देश्य पानी की कमी से किसी भी पक्षी की मौत नहीं होनी चाहिए, इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर लगाए परिंडे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में चोरों ने सोने मकानों को बनाया निशाना, ताला तोड़कर 20 लाख रुपए के आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी पर किया हादसा, परिवार के सभी लोग जागरण के कार्यक्रम में थे, पीड़ित कैलाश प्रजापत के थाने में करवाया मामला दर्ज। अलवर के चोर डूंगरी मोहल्ले में 50 वर्षीय व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर किया आत्महत्या, मृतक जहरीला पदार्थ खाकर अस्पताल में हुआ एडमिट, जहां इलाज के दौरान गई जान। दौसा में स्कूल में पोषाहार बनाते समय गैस सिलेंडर में पकड़ी आग, 2 महिला कर्मी झुलसे, शारीरिक शिक्षक भी हुए घायल। जयपुर में अवैध निर्माण ने ली एक व्यक्ति की जान, छत की सेटिंग के समय हुए ऊपर से गिरा फांटा, एक व्यक्ति की हुई मौत, निगम की कार्यशैली पर उठी सवाल।
जयपुर के मानसरोवर के अहिल्या पार्क में समाज सैनी ऋतुराज अग्रवाल ने परिंडे बांधे। पार्षद पारस जैन ने बताया कि पार्क मंदिर और घरों के साथ सड़क किनारे पक्षियों के लिए 551 परिंडे लगाए गए। झुंझुनू के चिड़ावा पुलिस ने 20 वर्षीय फरार चल रहे वारंटी को हरियाणा के शरवाल इलाके से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी 60 वर्षीय सरवर पुत्र बरसालाल सामान चुराने के मामले में पकड़ा गया। चूरू के भालेरी में विवाहिता को कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया। आरोपी ने हत्या के इरादे से महिला के चेहरे, छाती और दोनों हाथों पर कुल्हाड़ी से किया हमला। बलौदी में जिला प्रभारी सचिव ने विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों से ली बैठक। तो वहीं कलेक्टर कार्यालय सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव ने विभागवार योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रगतिरत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण करवाने के दिए निर्देश। जैसलमेर के फलसुंड में दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला सहित दो युवक घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और घायलों का उपचार जारी। बलौदी में अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई करते हुए देसी पिस्टल सहित दो जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से कर रही है पूछताछ। पाली के देसुरी में कुंभलगढ़ अभयारण्य में तीसरे दिन भी दानवन का कहर नजर आया। आधा दर्जन से ऊपर पहाड़ी के क्षेत्रों में फैली आग, इसको लेकर देसुरी और सागड़ी वन विभाग की टीम सहित ग्रामीणों की सहायता से आग पर नियंत्रण करने का किया जा रहा प्रयास। सिरोही में खंद्र गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दर्जनों ग्रामीण सिरोही एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस की शिथिलता को लेकर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। वहीं एसपी ने ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन देते हुए गिरफ्तारियां करने का दिया आश्वासन। सिरोही के गणका में पूर्व जिला परिषद सदस्य पुखराज गहलोत के साथ हुई लूट और मारपीट की घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। इसको लेकर बड़ी तादाद में लोग कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचे। कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्र सरकार ने काले टूटे और बिना चमक वाले गेहूं के दानों पर खरीद की छूट दी थी, लेकिन इसके बाद भी किसान हो रहे परेशान। आक्रोशित किसानों और व्यापारियों ने हनुमानगढ़ की धान मंडी में किया प्रदर्शन। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस संबंध में पीड़िता ने 28 नवंबर 2020 को गोगामेड़ी थाने में मामला दर्ज करवाया। अनुगढ़ के श्री विजयनगर में स्टेट हाईवे 94 की बस पीए छत पर चढ़ते समय पैर फिसलने से गिरने से व्यक्ति की गंभीर रूप से जख्मी होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद गंभीर स्थिति में युवक को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर के दुर्गा मंदिर में मूर्ति स्थापना के 43 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव कार्यक्रम और जागरण का आयोजन किया गया। सौरान आयोजन समिति से जुड़े शिव मुंजाल ने बताया, श्रीगंगानगर से आई भजन मंडलियों ने माता के भजनों का गुणगान किया। सौरान सैकड़ों भक्तों ने जागरण सुना और प्रसाद ग्रहण किया। श्रीगंगानगर के जैतसर में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का कार्य जारी। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक ने बताया कि 22 दिन से चल रही गेहूं खरीद के दौरान अब तक 1,73,064 बैग की खरीद की जा चुकी है। 1,53,522 बैग की लिफ्टिंग कर ली गई है। अब तक 586 किसानों को 20,76,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। अनुपगढ़ के श्री विजयनगर में दो युवाओं की ओर से आम लोगों को पक्षियों के आशियाने बांटकर प्रेरित किया जा रहा है। नमन सोनी और हर्ष सोनी ने अपने पिता से प्रेरणा पाकर शहर में आम लोगों को पक्षियों के आशियाने भेजकर पक्षियों की सेवा के लिए प्रेरित किया। दोनों भाइयों ने अपने पिता दिनेश सोनी के साथ पहुंचकर स्थानीय थानाधिकारी को पक्षियों का आशियाना भेंट किया। श्रीगंगानगर के जैतसर और आसपास के गांवों में सौंफ की फसल की पकाव की ओर है। क्षेत्र के किसानों ने पहली बार प्रयोग के तौर पर सौंफ की फसल का बीजान किया। किसान रामदेव सिंह ने बताया कि पहली बार 2.5 बीघा में सौंफ की फसल का बीजान किया गया। संभावना है कि प्रति बीघा 3 क्विंटल तक सौंफ फसल से प्राप्त कर ली जाए। ब्यावर के पुष्करगंज में परचून की दुकान पर बैठी बुजुर्ग महिला के गले में चेन झपट्टा मारकर बदमाश फरार हो गए। गले की चेन की कीमत करीब 1,00,000 रुपए आंकी गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर युवक की तलाश शुरू की। डीडवाना में मौसमी बीमारियों की दस्तक के साथ राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। रोजाना करीब 1200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ मरीजों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। ब्यावर में 724वीं सैन जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ सैन मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे कथा प्रवक्ता अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल व्यास समन शास्त्री के सानिध्य में पंडित उमेश दाधीच के द्वारा मंत्रोच्चार कर ध्वजारोहण कर 7 दिवसीय सैन जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। इसके बाद संत शिरोमणि सैन महाराज के जीवन पर प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। अजमेर के पिसांगन में घर लौटते समय सड़क हादसे में मृत मजदूर के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। तो वहीं मृतक के भाई की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। नागौर के अलाए गांव में मृत पशु डालने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने मृत पशुओं को खुले में डालने के विरोध में कलेक्टर के पास पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि पहले की तरह मृत पशुओं को दफनाने वाली व्यवस्था को बहाल किया जाएगा।
ब्यावर में जानलेवा प्रकरण में सांकेत नगर थाना पुलिस की शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया। कार्रवाई नहीं होने को लेकर सिघाड़िया के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ब्यावर में शिक्षा विभाग के नेतृत्व में दो दिवसीय आरकेएसएमबी आकलन 3 की परीक्षाओं का आयोजन शुरू हुआ, जहां आरकेएसएमबी के चयनित विद्यालयों में आकलन 3 में कक्षा 3 से कक्षा 7 तक के विद्यार्थियों के द्वारा हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय के आकलन प्रश्न पत्र हल करवाए गए। ब्यावर के ग्राम पंचायत शाहपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि अतिक्रमी बदमाश और शराबी प्रकृति के लोग हैं। ग्रामीणों ने अतिक्रमियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। डिडवाना के लाडू में भारत विकास परिषद के उत्तर प्रांत की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें लाडू के 3 पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उत्तर प्रांत के जनरल सह सचिव के पद पर रमेश सिंह राठौर, डिडवाना कुशामत जिला प्रभारी राजेंद्र माथुर और प्रांतीय महिला सह संयोजिका के पद के लिए दिव्या माथुर को नियुक्त किया गया। ब्यावर के राजेवास गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, इसमें दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उपचार के लिए राजकीय अमृतौर चिकित्सालय में एडमिट करवाया, जहां उपचार जारी। डीडवाना के लाडू में ट्रांसफार्मरों में ऑयल चोरी करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं डाबड़ी से शामपुरा जाने वाले मार्ग पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से चोर ऑयल और कॉइल निकालकर चोरी करके ले गए। संबंध में निगम के सहायक अभियंता राजकुमार तुनगरिया ने जसवंतगढ़ पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दी। क्षेत्र में लंबे समय से ट्रांसफार्मरों में चोरी की घटनाएं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार असफल नजर आ रही है। बूंदी के तालेड़ा में भूसे में लगी आग, जिसमें 100 से अधिक ट्रॉली भूसे की खरेड़िया तथा पराली जलकर खाक हो गई। 4 किसानों को करीब 5 लाख रुपए का हुआ नुकसान। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। दमकल ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर किया नियंत्रण। कोटा के नयापुरा में मामूली कहासुनी को लेकर युवक पर किया चाकू से हमला। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में करवाया एडमिट। बबलू सिंह अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, तभी एक युवक ने आकर बबलू पर किया हमला। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर ली मामले की जानकारी। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। कोटा के रामगंज मंडी में महाभवानी कार बाजार में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सलुम्बर के कुंडा गांव में आबादी क्षेत्र में एक लुपोष मकान के सामने भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि दमकल और ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर नियंत्रण किया गया, वरना आबादी क्षेत्र के अन्य घर भी चपेट में आ सकते थे। भीलवाड़ा का असिंध बदनौर ठिकाने का जल महल पर्यावरण को दे रहा बढ़ावा। पंजाब के पूर्व राज्यपाल बीपी सिंह के कामदार खुशहाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 5 बीघा भूमि 1000 वृक्ष लगाए गए, जिसमें आम, नीम के पेड़, कंडेर, बुगनवेलिया, मधुमालती, गुलाब, मोगरा, लीची, पैल्सिया आदि आम के 100 वर्ष पुराने वृक्ष हैं। भीलवाड़ा के आसिन में कटार गांव के जंगलों में पैंथर दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, जहां ग्रामवासियों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और क्षेत्र में पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाया गया। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 1 किलो 740 ग्राम अफीम की बरामद। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एनटीपीएस के भीतर मामला दर्ज करके जांच शुरू की। भीलवाड़ा के आसिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों की दिनों दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोगियों के लिए छोटा पड़ने लगा, जिससे लोगों को हो रहा परेशानियों का सामना। इसी कारण कस्बेवासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की सरकार से उठाई मांग। राजसमंद के खंडेल गांव में एक ट्रेलर ने गाय को बचाने के चक्कर में विद्युत ट्रांसफार्मर से टकराकर खंभे में फंस गया। ट्रक को क्रेन की सहायता से निकाला बाहर। गनीमत रही कि जिस समय ट्रेलर विद्युत ट्रांसफार्मर में टकराया उस समय बिजली बंद थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद के कुंचोली गांव के पास बनासदी में 2 दिन पहले मिले गया लाश का मां तुलसी सेवा संस्थान से रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस ने शव की शिनाख्त नहीं कर पाई। ऐसे में लाश के खराब होने की वजह से सामाजिक संस्थान के सहयोग से किया गया अंतिम संस्कार। प्रतापगढ़ में नार्कोटिक्स विभाग ने अफीम डोडों की खरीद के लिए लगाए गए टोल केंद्र का हुआ समापन। अंतिम दिन 6 गांव से 62 किसानों का अफीम डोडा तोला गया। इस मौके पर शिविर के समापन पर सिद्धाचल सेवा समिति की ओर से नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारियों और श्रमिकों को किया सम्मानित। प्रतापगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 बाइक सवार घायल हो गए। 1 स्वाट एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। फिलहाल 3 घायलों का उपचार जारी। बांसवाड़ा की सीमा से सटे एमपी के रतलाम में अलका खेड़ा गांव की छात्रा ने 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर जहर पीकर की आत्महत्या। पुलिस को मौत के कारणों पर संदेह नहीं जताते हुए पोस्टमार्टम नहीं करने का लिखित में पत्र दिया और बाद में शव का अंतिम संस्कार किया गया। डूंगरपुर के देवलफला घोघरा गांव में 9वीं कक्षा की छात्रा ने अपने घर के पास आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। प्रतापगढ़ के कालापानी डैम में नहाने गए व्यक्ति का शव एसडीआरएफ की टीम निकाला बाहर। शव को बाहर निकालने के लिए 48 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पुलिस ने की मामले की जांच शुरू। डूंगरपुर में गर्मी के मौसम में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है और इस वजह से लोग परेशान हैं। पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिए प्रशासन और जलदाय विभाग के
दावे फेल हो रहे हैं। इसी को लेकर पोहरी खातुरात पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए पंचायत क्षेत्र के गाँव में टैंकर से जलापूर्ति करते हुए राहत दिलाने की मांग की। बांसवाड़ा के आनंदपुरी में पिथापुरा और बड़ा तालाब के जंगलों में लगी आग, तेजी से बढ़ रही आग को देख ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना सरपंच रमेश पटेल को दी, जिन्होंने विभाग की सूचना पर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने आग पर किया नियंत्रण। प्रतापगढ़ में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग। परिजन पोस्टमार्टम से पहले मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने की समझाइश की कोशिश। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के प्लेटिनम जुबली वर्ष 2024 के तहत जोधपुर में राज्य स्तरीय डॉट और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में डूंगरपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनल शर्मा ने डूंगरपुर न्याय क्षेत्र का मान बढ़ाते हुए दौड़ और बैड में किया प्रथम स्थान हासिल। डूंगरपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही से शहर के मालीवाड़ा क्षेत्र में हजारों लाखों लीटर पानी गट बह रहा है। मोहल्लेवासियों की शिकायत के बावजूद लीकेज बंद नहीं किए जाने से लोगों में है आक्रोश। धौलपुर में मंगल विहार कॉलोनी में सीवरेज के ओवरफ्लो होने की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। स्थानीय लोग समस्या का कई बार कर चुके हैं समाधान करने की मांग। इसी के साथ लोगों ने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान करने की फिर उठाई मांग। सिरोही में एनएचएआई ने पेट्रोल पंप के आगे बने सर्विस रोड पर लोहे की रेलिंग लगा दी। बाकी के पेट्रोल पंपों के आगे सर्विस रोड बनाने और रेलिंग नहीं लगाई गई। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों के साथ दोहरा व्यवहार होने की बात सामने आई। सादुलपुर पुलिस निकाली बदमाश की परेड। 20 लाख की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने आमजन को दिया संदेश, बदमाशों से डरने की जरूरत नहीं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। शिक्षा में शोध की मौलिक संस्कृति को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर के दौरे पर, उन्होंने रेड क्रॉस पदाधिकारियों से किया संवाद। रेड क्रॉस से संबंधित आमजन को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने पर दिया जोर। डिडवाना जिला परिषद कार्यालय में सीईओ रविंद्र कुमार चौधरी ने विशेष बैठक ली। बैठक में ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम सेवक और ग्रामीण जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को साफ और स्वच्छ बनाने को लेकर हुई चर्चा। डिडवाना कुचामन सिटी से सऊदी अरब के मक्का मदीना जाने वाले हाजियों को टीके लगाए गए। मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में टीकाकरण शिविर। हज पर जाने वाले आजमीनों को मस्तिष्क ज्वर और पोलियो के टीके लगाए गए। हनुमानगढ़ के सिलवाला कला गांव में घर से भटककर एक 9 वर्षीय बच्चा ट्रेन से हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचा। बाल कल्याण समिति के आरपीएफ पुलिस की सजगता से बच्चे के परिजनों से उसे मिलवाया गया। बांसवाड़ा के प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र में शरारती युवा स्पोर्ट्स बाइक तेज गति से सड़कों पर बेखौफ दौड़ा रहे हैं। रफ्तार इतनी कि पलक झपकते ही सामने से निकल जाए, ऐसे में आम लोगों को हमेशा रहता है हादसा होने का अंदेशा। चुरू के राजलदेसर में वार्ड नंबर 12 में करीब एक साल से चल रही पानी की समस्याओं को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के सामने किया विरोध प्रदर्शन। जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोट। जैसलमेर के नाचना में इंदिरा गांधी मुख्य नहर 1120 आरडी के पास वन पट्टी में लाखों रुपए की वन संपदा की भेंट चढ़ गई, जिसके बाद में ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण। सिरोही के मंडवाड़ा में कर्णेश्वर गौशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सूचना पर बनलूट पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण। खैरथल के किशनगढ़ बास में हथियारों की सप्लाई करने के मामले में आर्म्स एक्ट में अंतर्गत आरोपी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 5,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंड। 30 अप्रैल को प्रदेश में 5वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों को लेकर जांचा गया। प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र से संबंधित नजदीकी पुलिस थाने में रखवाया गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में शादी ब्याह का असर नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में सावों के चलते जिनसों की आवक में कमी नजर आई, जिसकी वजह से मंडी परिसर सूना सूना नजर आया। अलवर के राजगढ़ में एक ही परिवार के पक्ष ने व्रत पर लाठी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे व्रत गंभीर रूप से घायल हो गया। अवस्था में अलवर के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी। अलवर के रावली बिहार थाना पुलिस के दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में किया जाएगा पेश। बलौदी के नुखा में वन विभाग क्षेत्र में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार भी पहुंचे मौके पर। इसके साथ दमकलों को मौके पर बुलाया गया। सिरोही के अबरोड पर वनवासी लोक संस्कृति का पर्याय माने जाने वाले सियावा गणगौर मेले में महाकुंभ का आगाज हुआ। सांझ गहराने तक पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियों का मेले में हुजूम उमड़ा। जयपुर के सांगनेर में कुंभा मार्ग पर भारत माता हनुमान जी के ध्वज की पूजा कर हिंदू हुकार रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न मार्गों पर होते हुए हनुमान जी के मंदिर पहुंची और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। डिडवाना के लाडनू के चुड़दासरिया गांव में अवैध जल कनेक्शन बूस्टर हटाने और अवैध जल कनेक्शन में नोटिस चस्पा करने के लिए जलदाय कर्मचारियों के साथ गाली गलौज धक्काबुक्की का मामला सामने आया। मारपीट पर उतारू हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बारा के नियाना माल में खेतों में सूखे कुएं में युवक गिर गया। लोगों की सहायता से सेल्फ डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा है। युवक की स्थिति बताई जा रही है। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।